हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। आज के न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हमने लिए हैं दीपावली के लिए दिए, जो वर्मा लोग दे करके जाते हैं। तो हमारे गांव में वर्मा लोग नहीं हैं, इसलिए वो दिए देने वाला व्यक्ति बाहर से आता है। तो दीपावली से 10-15 दिन पहले ही वो दीपक दे करके चला जाता है। आप भी दिए लेते होंगे दीपावली के लिए। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपके गांव में वर्मा लोग हैं या दीपक देने वाले कहीं बाहर से आते हैं। तो आज मैं आपको दीपक दिखाती हूँ। और अब बच्चों का लंच बॉक्स मैंने तैयार कर दिया है, और अब कर देती हूँ उनकी डायरी चेक। डायरी चेक कर देती हूँ, उनके स्कूल का टाइम हो गया है। बच्चे चल दिए स्कूल। बाय बाय। अंशु नीशु के स्कूल का टाइम हो चुका है, ये चल दिए स्कूल। अब मैं करती हूँ झाड़ू पोछे, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को तैयारी के लिए जल्दी होती है, तो झाड़ू पोछे बाद में ही कर पाते हैं। नहा धोकर हो गई है तैयार, और आज करेगी 5वीं नवरात्रा की पूजा अर्चना। और वो अपनी पूजा में बैठ गई है। अब दिया बाती करके आज 5वीं देवी की पूजा की जाएगी, जिसका नाम है स्कंद माता। आज स्कंद माता की पूजा अर्चना और करके आरती करेगी। आज हो गया 5वां नवरात्रा, और 5वें नवरात्रे को ही नीशु पैदा हुई थी, तो वैसे आज नवरात्रों के हिसाब से नीशु का बर्थडे भी है। लक्ष्मी माता को तिलक कर दिया है। बिंदायक यानी गणेश जी को भी तिलक कर दिया है। पूजा में गणेश जी को अवश्य पूजा जाता है, गणेश जी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ये देखिए, ये कलश, और कलश में रख दिए आम के पत्ते। है क्या ये? नहीं, अशोक के पत्ते और आम के पत्ते पूजा में अवश्य लिए जाते हैं। ये अशोक के पत्ते लगा दिए इन्होंने। और ये है लक्ष्मी माता का श्रृंगार, इसमें सारा श्रृंगार का सामान आ जाता है। ये देखिए, इसमें चूड़ी वगैरह, सिंदूर, सब श्रृंगार आ जाते हैं। लिपस्टिक, टिक्की, कंघी, शीशा, सब कुछ आ जाता है। तो ये इसी में पैकिंग आती है, क्योंकि देवी की पूजा करने में उनके 16 श्रृंगार अवश्य होने चाहिए। सरिता ने 5वें नवरात्रि की पूजा कर ली है। अब ये देगी सूर्य को अर्घ। और ये नींबू का अचार रख दिया, इसमें धूप लग रही है भाई। सूर्य को अर्घ देती हुई ये हमारे आगे पौधे लगा रखे हैं। ये देखिए, अभी अपनी पथवारी को सींच देगी। ये देखिए, जवारे भी उग करके तैयार हो गए हैं, और ये हरे भरे छोटे छोटे दिखाई देने लग गए हैं। कल और अच्छे से दिखने शुरू हो जाएंगे, एक दिन में तो ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे। सरिता की पूजा अर्चना समाप्त हुई, और अब सरिता के लिए मैं बनाती हूँ चाय। सरिता के लिए चाय, अगर आपको भी चाय पीनी है तो आ जाइएगा। सरिता चाय ले लो।
अब हम पी रहे हैं चाय। अगर आपको भी चाय पीनी है तो आ जाइएगा, आप भी पी लीजिए, या फिर अपने घर पे बैठ के चाय पी सकते हो। अब बना लिया खाना और खाएंगे खाना। ये देखिए श्रीता दीपक लेकर के आ गई है। अब दिखाती हूँ मैं आपको दीपक। देखिए दीपक कितने छोटे छोटे और कितने सुंदर बना रखे हैं। तो ये दीपक देने वाले हमारे बाहर से आते हैं, इसलिए दीपावली से काफ़ी दिन पहले ही दे करके चले जाते हैं। बहुत सुंदर दीपक हैं, आपने भी दीपक खरीदे होंगे। अगर आपके घर पे भी दीपक आ गए हैं या आपने खरीद लिया तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अभी से दीपावली की तैयारी शुरू हो गई है। बच्चे स्कूल से आ गए हैं। अब बच्चे स्कूल से आ गए हैं और कुछ बिस्किट वगैरह खा करके रेस्ट करेंगे। अब मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।